उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में रुद्रपुर पुलिस लाइन में घुसने से मना करने पर कार सवार चार युवकों ने पुलिसकर्मी को जलाने का प्रयास किया। इसमें पुलिसकर्मी के दोनों हाथ झुलस गए। यहां पुलिस लाइन की गेट पर तैनात सिपाही और चार युवकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आरोप है कि चार युवकों ने लाइटर से सिपाही पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिसमें सिपाही बुरी तरह से झुलस गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गाड़ी में से गया, मैं अपने पानी ले गया था, पानी इतना पाके मेरा तो एक बोतल थी, तो जैसे ही वो मैंने उससे कहा भाई तुम उठो, तुम यहाँ धरना नहीं दे सकते, तुम भी अगर तुम करोगे तो मैं भी वो कर सकता हूँ कुछ भी। तो उनने मेरा हाथी ना झपटी करी, उन्होंने पता नहीं क्या, उनके हाथ में लाइटर था पता नहीं क्या था, उससे एकदम उसमें आग लग गई, तो आग से मेरी पूरी बॉडी को आग लग गई। इसमें प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि कुछ लोगों द्वारा पुलिस लाइन से वो लोग एंटर कर रहे थे, तो वहाँ पर जो संतरी ड्यूटी पर हमारे दो कांस्टेबल थे उन लोगों के द्वारा उन्हें रोका गया, तो वो लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनसे उनकी बहसबाजी हुई और उसमें कुछ उनका आपस में विवाद हुआ, और इस विवाद के तहत जो भी इसमें तहरीर है वो अभी आ रही है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है उसमें एक जलने की घटना भी हुई है, जिसमें जो हमारे कांस्टेबल हैं उनको यहाँ उपचार के लिए जिला अस्पताल